नमस्ते सत श्री अकाल ते मीडिया वालों आए हुए साढ़े सारे दोस्तों का मैं नैना जी आया आखदियाँ स्वागत कर दिया ते उस तो पहला इस इवेंट नू अगे वधाइए। मैं यही उम्मीद करती हाँ तुसी सारे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे होने ते अपने फैमिली मैंबर्स का ध्यान रख रहे होने। यस नो नो बट वी शुड। यस लेडीज एंड जेंटलमैन ते हुण जे गल करिए चंडीगढ़ दी चंडीगढ़ की हवावां विच इहो जिहा जादू है। मैनूं लगता है जिहड़ा सानूं घर दियां वाइब्स दिंदा है, घर वाली वाइब्स दिंदा है ते चंडीगढ़ दे लोकां दी ते चंडीगढ़ दी खूबसूरती दी जैसी गल करिए ते मैनूं लगता है जिन्नी तारीफ कीती जावे ओनी घट है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन चंडीगढ़ की इसी शहर की पृष्ठभूमि से कलर्स लेकर आ रहे हैं उनका नया शो स्वरण घर। सो कैन वी जस्ट हैव अ लिटिल राउंड ऑफ अप्लॉज लेडीज एंड जेंटलमैन। जी हाँ, कलर्स लेकर आ रहे हैं एक ऐसी कहानी जो आपके दिल को छू जाएगी और बदल देगी माता पिता और उनके बच्चों के रिश्तों के बीच की नींव को। जी हाँ, कहते हैं घर एक मंदिर है और माता पिता उस मंदिर के भगवान, और ये एक ऐसी ही कहानी है उन माता पिता की कहानी है जिन्होंने अपने मंदिर जैसे घर को अपने बच्चों की खुशियों से भरा है, उनकी हर उम्मीदों को पूरा किया है और उन्हें उस लायक बनाया है कि वो अपने पैरों पे खड़े होने के काबिल बन सके। जी हाँ, ये वो कहानी है जो बहुत ही खूबसूरत है। और जब हम माता पिता के प्यार की बात करें, उनके साथ अटैचमेंट की बात करें, आजकल जो है इमोशंस मुझे लगता है कि हम लोग इतना बिजी रहते हैं काम में, हम लोग बाहर सेटल हो चुके हैं, सो हम टाइम जो है बहुत कम दे पाते हैं माता पिता को। सो ये जो कहानी है एक ऐसे ही माता पिता की है और वो माता पिता हैं कमल जी और स्वरण। तो जी हाँ, मैं मंच पर आप लोगों के सामने उन्हें ऐसे ही जो दिलचस्प कलाकार हैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी और वो बयां करेंगे आप सभी से अपने दिल की कुछ बातें। अपने बच्चों से प्यार एक पल न सोचा कभी नफा नुकसान, खरीदी हर खुशी लुटा दी तुम पे जान, रहे सलामत हमेशा हरी मुश्किल। बड़ी मुश्किल से कटी मुरादें रखती थी घंटों गीली पट्टी, जब तेज बुखार से तपते थे तुम्हारे माथे। जिंदगी में तुम्हारे न कभी आने दिया कोई तूफान, आज सिला ये मिला अपने ही बच्चों से। तुम्हारे इर्द गिर्द ही दुनिया मेरी थी, आज तुम्हें देखने तक को भी घड़ी में वक्त हो। तुम्हें पाल पोस कर हमने नहीं किया कोई एहसान, मगर क्या इतना मुश्किल होता है ना माँ बाप का रोनित, संगीता, आपने हम सबको इमोशनल कर दिया। और देखिए, जब बात की जाए माता पिता से अटैचमेंट की, I just want to share a very quick experience. I must say, I have just lost my father 2 months ago, and yeah, so I don't want to get emotional, but this is actually when I was just talking to the team member yesterday about the brief of this event. So I just quickly got connected that when we spend time with our parents, my dad used to stay in Jalandhar and I stay here. So बहुत कम time मिल पाता था कि उनके पास जा पाए और मिल पाए. So I've just recently bought my new car and मैं चाहती थी कि dad को drive पर लेकर जाए या मैं उन्हें शायद यहाँ लेकर आती. I don't want to cry right now, but that was really an emotional thing. और ये सीरियल मुझे लगता है कि this is what is a real thing, a real story we will depict through this serial. So this is a really a wonderful thing, and ज़्यादा emotional मैं नहीं होती हूँ. And the show must go on, ladies and gentlemen. And I must tell you that those were the beautiful words you have said, you have just expressed right now. और Ronit, Sangeeta, why not? Moving on, एक ऐसे शख्स को मंच पर आमंत्रित किया जाए जो बहुत ही उम्दा कलाकार हैं, बहुत ही मंझे हुए कलाकार हैं. हम उन्हें बखूबी जानते हैं, पहचानते हैं. इस शो के को प्रोड्यूसर भी हैं. मैं चाहूँगी आपकी तालियों के साथ स्वागत करें रवि दुबे फ्रॉम ड्रीमियाटा एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड. वेलकम वेलकम रवि. I think it's working now. Hi everybody. बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए. Thank you so much. दादा, संगीता, नैना, you all looking lovely. And Naina, I just heard backstage about your loss. Really sorry to hear that. मगर बात घूम फिर के वही आ जाती है कि जब अगर या हम ये जो रिश्ते हैं हमारे जीवन में उनका महत्व अभी समझ लें तो बहुत अच्छा है. कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए और फिर हमारे छोटे छोटे ख्वाब, हमारे छोटी छोटी अचीवमेंट्स जब बांटने की बारी आई तो बांटने के लिए जो है वो इच्छा अधूरी रह जाए. स्वरण घर एक सपना है हमारा और मैं इसीलिए आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इट्स वेरी बिग डे फॉर ड्रीमियाता एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड, फॉर माई सेल्फ एंड सरगुन. इट्स अ गोल्डन डे एंड हेंस स्वरण घर. जो रोल संगीता निभा रही हैं स्वरण बेदी का, ये स्वरण बेदी जो नाम है ये हमारी नानी माँ का नाम है, सरगुन की नानी माँ का नाम है. तो हम लोग अक्सर ये बात करते हैं कि हमें अपने एंसेस्टर्स के लिए कुछ करना चाहिए, उन्हें हमेशा अपनी यादों में रखना चाहिए, उनका ध्यान करना चाहिए, अपने पितरों के लिए कुछ करना चाहिए. तो मेरी सरगुन में उनको, हमारे इस कैरेक्टर को, इस आइकॉनिक कैरेक्टर को ये नाम स्वरण बेदी दे करके नानी माँ को इमॉर्टलाइज कर दिया. और शी ट्रूली इंस्पायर्स मी विद द वे शी थिंक्स. इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ और कोई और चर्चा करूँ शो के बारे में, मैं सबसे पहले शो की क्रिएटर को अपने दिल से, तहे दिल से बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा. आई एम ट्रूली मिसिंग हर टुडे. इट इज़ सरगुन मेहता, इट इज़ माई वाइफ, द जर्म ऑफ द शो. सबसे पहले उसके दिमाग में आया, उसके दिल में आया, और आज हम लोग खड़े हैं, इतनी सारी मीडिया आई है, शो की चर्चा हो रही है, तो उसके पीछे जो पहला ख्याल है वो सरगुन का है. सो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ हर. थैंक यू सो मच. आई माइट बी द आर्म्स एंड लेग्स ऑफ ड्रीमियाता, बट माई वाइफ इज़ द हार्ट एंड माइंड एंड ब्रेन और ड्रीमियाता एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड. बात करें आप स्वरण घर की, तो एक अल्फाज जो है हमारे सामने बार बार आता है, जनरेशन गैप. जिस कॉन्टेक्स्ट में हम इसको यूज़ करते हैं इसके मायने बदलते चले जाते हैं. हम लोगों ने भी कभी कैजुअली यूज़ किया होगा और हमारी की हुई गलतियों को, अपने परिवार को नज़रअंदाज करने को हमने इस एक अल्फाज के ज़रिए जस्टिफाई कर दिया होगा. तो क्या होते हैं जनरेशन गैप के मायने? इज़ देयर एनीबडी हु कैन टेल मी व्हाट इज़ योर definition of a generation gap? Shravan, I see you using your phone. No, I'm recording you. But what do you think is generation gap? For me, generation gap is something as simple as the ideologies don't really connect. Yeah. Yeah. Anyone else? आपको क्या लगता है? I think generation gap. इसका कोई क्लियर आंसर नहीं है, इसकी कोई क्लियर डेफिनेशन, कोई क्लियर मायने नहीं है। क्या है ये जनरेशन? क्या आगे बढ़ने की होड़ में अपने माता पिता को पीछे छोड़ देना, उनके आदर्शों को पीछे छोड़ देना, उनके संस्कारों को पीछे छोड़ देना, उनके भाव को पीछे छोड़ देना, ये जनरेशन गैप है? अगर ये जनरेशन गैप नहीं है तो जनरेशन गैप है क्या? निस्वार्थ होकर के माता पिता जीवन भर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, उनको बड़ा करते हैं, और जब उनको उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है तो उनकी परछाई तक उनके साथ नहीं है। उनका काम, उनका करियर, उनके आगे बढ़ने की चाह, दुनिया में खुद को साबित करने की चाह, वो प्रेसिडेंस ले लेती है, और माता पिता जिनकी वजह से सब कुछ है वो थोड़ा पीछे चले जाते हैं। तो इसी जद्दोजहद को, इसी जो ये शब्द है जनरेशन गैप, इसके मायने को ढूंढते हुए स्वर्ण घर की रचना हुई है। आगे बढ़ने से पहले मैं कलर्स टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। एक साल पहले हमारा प्रोड्यूस किया हुआ सीरियल उडानियाँ रिलीज़ हुआ है। मनीषा ने, भारती ने, दी एंटायर टीम ऑफ कलर्स हैज़ शोन इमेंस फेथ इन अस, एंड आप लोगों ने इस शो को जिस तरीके से अपने दिल से, अपने सीने से लगाया, अपने परिवारों का हिस्सा बनाया, उसी तरीके से मैं चाहता हूँ कि आप स्वर्ण घर को भी अपने परिवारों का, अपने दिलों का हिस्सा बनाएं। और बिफोर आई इंट्रोड्यूस यू टू समवन वेरी वेरी स्पेशल, मैं चाहूँगा कि रोनित दा, संगीता जी अपना जो इन्वॉल्वमेंट है शो के साथ में उसके बारे में कुछ कहें। रवि, आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए रवि, मुझे लगता है कि जहाँ तक मेरा निजी एक्सपीरियंस है वो ये है कि हम जहाँ खड़े होते हैं माता पिता के रूप में, हम वो हर दौर से गुजरे होते हैं जहाँ से हमारे बच्चे गुजर रहे हैं। कभी हम जब बच्चे थे हमने भी सोचा था कि हमारे माता पिता हमको नहीं समझते। ये आई थिंक दिस coin generation gap has been coined by the children because they feel that their parents don't understand them, primarily because A, we don't speak the same language. से मेरे ज़माने में मेरा एक तो उस ज़माने में हम बोलते थे हेलो, हाउ आर यू। फिर मैं एक्चुअली दो जनरेशन्स के बीच में अटका हूँ। मेरा जो सेकंड जनरेशन है वहाँ से शुरू हुआ हाय, व्हाट्सअप। आजकल की जो जनरेशन है वो बिल्कुल विपरीत बोलती है, हे, व्हाट्स डाउन, व्हाट्स गोइंग डाउन। तो कोई अप बोलता है, कोई डाउन बोलता है। बट द थिंग टू अंडरस्टैंड हियर इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से इज द सेम थिंग, ओनली द लैंग्वेज इज डिफरेंट। सिमिलरली जो चीज़ वही है, रियलिटी, सत्य वही है, लेकिन उसका जो परसेप्शन है वो थोड़ा सा अलग होता है। तो हम सोचते हैं कि वो हमको नहीं समझ रहे, वो सोचते हैं कि हम उनको नहीं समझ रहे। तो आई होप कि इस शो के ज़रिए लोग समझें कि वो गैप क्या है, एंड उसको जितना, वो फासला जो है वो जितना कम है। संगीता जी शो के बारे में बताएंगी, अपने कैरेक्टर के बारे में बताएंगी। और मेरे ख्याल से, मेरा नाम कंवलजीत बेदी है, और मेरे ख्याल से अगर कोई है जो कंवलजीत जी को बहुत करीब से जानता है तो वो स्वरण है। तो स्वरण बताएंगे। आई हैव माय माइक ऑन। सत श्री अकाल, नमस्ते, वेलकम ऑल ऑफ यू। स्वर्ण घर के इस मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में रवि ने कहा अभी पहले, जिस बात को आगे बढ़ाते हुए रोनित जी ने थोड़ा और स्पष्टीकरण किया उसका, मुझे वहाँ दोबारा जाने की ज़रूरत नहीं है। इतने अच्छे, कम और अच्छे शब्दों में सब कुछ बयां कर दिया। मैं स्वर्ण के बारे में बात करूँगी, कंवलजीत बेदी के बारे में बात करूँगी। स्वर्ण और कंवल, जिन्हें मैं बेदी साहब कहती हूँ प्यार से, ये दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। इन्होंने बहुत प्यार से अपना आशियाना बनाया है जिसका नाम है स्वर्ण घर। जैसा कि बेदी साहब कहते हैं कि मैंने मकान दिया था स्वर्ण को और स्वर्ण ने उसे घर बनाया है। स्वर्ण की ये दुनिया है, बेदी साहब हैं और उसके 3 बच्चे हैं जिनकी जगह कोई नहीं ले सकते, नकुल, विक्रम और योग। इसके इर्द गिर्द ही इसकी दुनिया घूमती है और कहानी भी हुई है कैसे एक पड़ाव पर आकर माँ बाप जिन्होंने सब कुछ किया अपने बच्चों के लिए और उन बच्चों ने भी बहुत कुछ दिया उन्हें, ऐसा नहीं है कि बच्चों ने साथ छोड़ दिया, शुरू में बच्चों ने भी बहुत प्यार दिया, सम्मान दिया, सब कुछ दिया, लेकिन किसी कारणवश जब बच्चे बड़े होते हैं उनकी अपनी ज़िंदगी शुरू होती है, एटलीस्ट उन्हें ऐसा लगता है कि ये नई ज़िंदगी है, ये एक्साइटिंग है, दोस्त हैं, कलीग्स हैं, हम ग्रो कर रहे हैं, हम और नई नई चीज़ें सीख रहे हैं। उस वक्त कहीं ना कहीं जो लोग साथ चल रहे होते हैं आपके, वो शायद उनका हाथ धीरे धीरे करके छोड़ते हैं, शायद वो नहीं छोड़ना चाहते पर हो जाता है। उस पड़ाव पर आकर स्वरण और कंवल की अपनी दुनिया है, दोनों में बहुत प्यार है, दोनों एक दूसरे के साथ बहुत वक्त गुजारते हैं, दोनों एक दूसरे की कंपनी बहुत एंजॉय करते हैं, हंसते भी हैं, रोमांस भी है, लेकिन कहीं ना कहीं दिल में वो खालीपन वो रह जाता है, क्योंकि बच्चों के साथ आप जो शेयर करते हो वो एक अलग खुशी है, एक अलग कनेक्शन। तो इस पड़ाव पर आकर कोई क्या करे, अगर बच्चे कहते हैं कि आप नहीं समझते हो यार, ये तो होता है, ये तो नॉर्मल बात, तो क्या हुआ मैंने फ़ोन नहीं किया तो, अरे तो क्या हुआ, मैं 4 दिन बात कर देता, हाँ मैं ये बात बताने भूल गया था, ठीक है, बहुत कैजुअली बोल जाते हैं, शायद मैंने भी बोला है, हम सब ने बोला होगा, लेकिन उस बात का असर माँ बाप पर क्या पड़ता है, क्योंकि उनकी दुनिया सिर्फ वही है, वो दोनों हाथों से पकड़ के रखना चाहते हैं अपने बच्चों को, अपनी दुनिया को, उन्हें सारी खुशियाँ देना चाहते हैं। मुझे लगता है माँ बाप क्योंकि अपनी सारी खुशियाँ, अपना सब कुछ उन्हें देना चाहते हैं, इसलिए वो उन्हें पकड़ के रखना चाहते हैं, और वो जब बच्चे धीरे धीरे करके छूट रहे होते हैं ना, इसलिए उन्हें तकलीफ होती है कि हम ये भी करना चाहते हैं, वो भी करना चाहते हैं। तो ये एक स्ट्रगल है जो हमेशा से चलती आई है बच्चों के बीच में, माँ बाप के बीच में, कि हम क्या करें, इंतज़ार करते रहें आपका, एक बार फ़ोन कर लो, ले दिन में एक बार 5 मिनट के लिए सही, खाना खाया कि नहीं, हम ही आपको पूछेंगे खाना खाया कि नहीं, बेटा तबीयत तो ठीक है ना, ये सब मैं कह रही क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया है। मेरी माँ, मैं काम करती हूँ तो मेरी माँ का जब फ़ोन आता है वो ऐसे बात करे, वो ये नहीं पूछती, ये नहीं कहती कि अरे बेटा आज घर में ये प्रॉब्लम होगी, बेटा खाना खाया ना, तबीयत ठीक है ना, तेरी आवाज़ क्यों ऐसे लग रही है, कुछ हुआ है क्या, तो उन्हें इंस्टिंक्टिवली पता चल जाता है सब कुछ। हमारा शो भी ऐसा ही है जहाँ पर हम कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को और माँ बाप को, दोनों जनरेशन्स जैसे हम बात करें, एक दूसरे को थोड़ा ज़्यादा जान पाए, समझ पाए, पर ये कहानी है, हम कोई सीख नहीं दे रहे हैं, हम लोगों को रास्ता नहीं दिखा रहे हैं, एक इमोशन है, फीलिंग है। स्वरण घर इज़ वेरी हाई ऑन इमोशनल कोशेंट, बहुत प्यार है इस शो में, बहुत प्यार है, कॉन्सेप्ट स्टेज से लेकर राइटिंग तक, एग्जीक्यूशन तक, द वे वी हैव परफॉर्म, जैसे कि स्वरण और कंवल है, इन दोनों में बहुत प्यार है, हस्बैंड एंड वाइफ में बहुत प्यार है, बच्चों में बहुत प्यार है, लेकिन ज़िंदगी है ही ऐसी, आप अलग अलग रास्ते पर निकल जाते हो, फिर वो कैसे मिले और कैसे फिर साथ साथ चले, ये है हम। वैसे थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहता हूँ। फिल्मों में अक्सर हमने देखा है एक हीरो होता है, एक हीरोइन होती है और एक विलेन होता है। जिंदगी में भी ऐसा होता है। जब बच्चे छोटे होते हैं उनका हीरो उनका पिता होता है, उनकी हीरोइन उनकी माँ होती है। अब विलेन कहाँ से आएगा? विलेन जो होता है वो परिस्थिति होती है। एक सवाल जो मुझे पिछले दिनों में बहुत बार एक्चुअली हर इंटरव्यू में पूछा गया है कि हमने एक फिल्म देखी थी, बिल्कुल ऐसी ही थी, यही कॉन्सेप्ट था, आपका प्रोमो उस फिल्म से बहुत मिलता जुलता है। तो उसी प्रश्न का उत्तर देते हुए मैं कहना चाहता हूँ कि हाँ, थोड़ा मिलता जुलता है, लेकिन जहाँ वो फिल्म ख़त्म हुई थी वहाँ से हमारी कहानी शुरू होती है। तो विलन की बात की जाए तो जब बच्चा अपना घर छोड़कर अपनी ज़िंदगी बनाने निकलता है तो माता पिता का आशीर्वाद लेके निकलता है। अलग शहर में, कभी कभी अलग देश में, पहली तनख्वाह पूरी अपनी माँ को भेजता है, फिर धीरे धीरे उसके खर्चों का उसे एहसास होता है, तो अपने खर्चे निकालकर बाकी के पैसे अपने माता पिता को भेजता है। फिर उसके खर्चे बढ़ते हैं, उसका विवाह होता है तो घर पे कम पैसे भेजना, फिर उसके बच्चे होते हैं, महंगाई थोड़ी बढ़ जाती है और भी कम पैसे भेजना लगता है। तो ऐसे में क्या है, क्या वो औलाद विलन है, खलनायक है, या उसकी परिस्थिति? यही जो एरिया है समझ इस बात की, इसी को समझने के लिए शायद सरगुन जी ने ये लिखा कि हम डीपली टटोल सकें कि होता क्या है रिश्तों में। और अगर दूरियां पैदा होती है, हमेशा बात पैसों की नहीं होती, कभी कभी जैसे संगीता जी ने कहा, वो एक फ़ोन कॉल, वो एक प्यार भरी बात, वो क्यों नहीं हो पाती? तो जैसा मैंने कहा, जहाँ वो फिल्म ख़त्म हुई थी वहाँ से हमारी कहानी शुरू होती है, और इन सारे प्रश्नों का उत्तर खोजने की कोशिश का नाम है स्वरण घार। थैंक यू सर, वेरी वेल सर, आई मस्ट से। एंड मूविंग ऑन, बिफोर आई आस्क संगीता टू डू समथिंग, आई वुड लाइक टू इन्वाइट, मैं इस शो से जुड़े हुए एक और मंचे हुए उम्दा कलाकार को मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी। आई विल रिक्वेस्ट अजय चौधरी टू काइंडली जॉइन अस ऑन द स्टेज। वेरी वार्म वेलकम। नमस्कार जी, मेरा नाम है अजय सिंह चौधरी और मैं जो किरदार प्ले कर रहा हूँ उसका नाम है अजीत लांबा, जो स्वरण और कमलजीत बेदी जी के साथ इनका एक बहुत ही अहम रिश्ता है। वो ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा, लेकिन वो एक्सप्लोर होगा धीरे धीरे एपिसोड्स में। मैं इनके जीवन का बहुत अहम हिस्सा हूँ, मेरे बगैर चल नहीं पाएगी कहानी। लेकिन थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर एंड बाकी आगे बढ़ते हैं जी। थैंक यू वेरी मच। सो कमिंग बैक टू संगीता, संगीता व्हाई नॉट, बिकॉज अभी आपने ही बात की कि मम्मी से बात हो पाती है तो कम हो पाती है, तो व्हाई नॉट मेक अ कॉल? एक काम करते हैं, ऐसा करते हैं, सबसे पहले तो मैं थोड़ा अपसेट हो गया हूँ, मतलब जिन लोगों ने कैमरा पकड़ रखा है हाथ में उनकी तो बात समझता हूँ, जिन लोगों ने कुछ नहीं पकड़ा जरा दो हाथ मिलाइए तो सही। क्षमा चाहता हूँ, मैं थोड़ा स्वार्थी हूँ इस मामले में, मैं सिर्फ तालियों के गड़गड़ाहट के लिए जीता हूँ। तो हाँ, आप ही आइए, क्या नाम है आपका बताइए, लेके आता हूँ उनको। What's your name? It's Lalima Sharma. Lalima. Welcome Lalima. Welcome Lalima. आप कहाँ की हैं? मैं वैसे बेसिकली जलंधर की हूँ। जलंधर की हैं। Live in Chandigarh with your family? Where is your family? माता जी कहाँ हैं? जलंधर। कभी लास्ट बात हुई है आपकी? I guess संडे को। आज क्या थर्सडे? वेडनेसडे? मंडे। याद, मैं मंडे घर गई थी तो लास्ट बात में कभी। अच्छा, घर गई थी तब बात हुई थी, उसके बाद बात नहीं हुई। तो चलिए एक बार मम्मी जी को फ़ोन लगाइए, स्पीकर फ़ोन पे उनको बोलिए, मम्मी जी आई लव यू, आई एम मिसिंग यू। ठीक जा रही है? बिल्कुल ठीक जा रही है, बाकी नहीं देख रहा। मुझे दिख गई लेकिन। और बताना मत कि आप यहाँ हैं, उसके बाद हम लोग सब मम्मी जी को हेलो बोलेंगे। speak up because she's in office right now. She's a working woman. I can call her dad, I think. Yeah. Please call her dad. Better still. Even then. हेलो पापा, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप बताओ? आई एम फाइन। अच्छा पापा, लिसन। ओके, आई लव यू एंड आई मिस यू। आई लव यू एंड आई मिस यू। अच्छा। ओके, ये सरप्राइज। ओके। पापा आंसर रिप्लाई करो। जस्ट वेट बेटा, जस्ट वेट। हेलो। ओह सरप्राइज। ओके 90410। He doesn't care. He's working right now. अच्छा चलिए उन्हें हम बता देते हैं। अंकल जी नमस्कार। सत श्री अकाल अंकल जी। पापा। सत श्री अकाल अंकल जी, मैं रोनित रॉय बोल रहा हूँ। और मैं संगीता घोष बोल रही हूँ। हम यहाँ लाली माँ के साथ हैं और हमने कहा कि प्लीज़ बात करें अपने पेरेंट्स के साथ। बहुत दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 2 दिन तक बात नहीं हुई। प्लीज़ बात करें, हम भी सुने उनकी बातें। हेलो, थैंक यू फॉर टेकिंग द कॉल। गॉड ब्लेस यू सर, गॉड ब्लेस यू। रोनित दादा आप भी आई लव यू बोल दीजिए एक बार। बोल ही दीजिए। आई लव यू अंकल जी। अंकल जी। No response. पापा, he is Ronit Roy from Adalat. We used to watch Adalat. Don't you remember? हाँ जी। Okay पापा, I'll talk to you later. सीरियल का नाम बताओ ना। वो तो बता रही है, वो मैं बाद में बता दूंगी। लालिमा वापस से संडे घर जा रही है। बाकी बातें तो आप लोगों ने देखा कि जैसे ही लालिमा ने कहा पापा आई लव यू आई मिस यू, वहाँ से पहले तो साइलेंस था। उनका रिएक्शन था अच्छा, मतलब वो सोच रहे थे कि क्या लालिमा को क्या चाहिए, गाड़ी वाड़ी चाहिए, इसे क्या चाहिए, या लड़का ढूंढ लिया है मुझे अचानक। आई लव यू आगे नहीं, बस आई लव यू आई मिस यू। अच्छा अच्छा, but that was really cute. Thank you लालिमा, thank you very much. Thank you so much. And now moving on, संगीता का फोन अगर हमें स्टेज पर मिल जाए, can we have her phone? Let's make a call to her mother. Oh really? Why not? Really? This should be interesting. Oh. She should not say मिल गया time. ऐसा है, बिकॉज हमारे सबके साथ ऐसा होता है। मैं माता जी को फोन करूंगा, तुरंत पूछेगी क्या वो बच्चे तेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस जल्दी खत्म हो गया। She can say anything. क्योंकि दुर्भाग्यवश बहुत वर्षों पहले मेरे पिताजी का देहांत हो गया, लेकिन माता जी को हमेशा पता होता है कि मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ। हेलो हाय माँ। हेलो শুনতে পাচ্ছো? हाय, কি করছো? তো শুয়ে আছি। মা আমি তোমাকে মিস করছি। আই এম মিসিং ইউ এন্ড আই লাভ ইউ। आई also miss you. I also love you. मैं आऊँगी जल्दी मिलने माँ, मुझे पता है बहुत महीने हो गए हमने एक दूसरे को देखा नहीं और मिले नहीं है। आऊँगी जल्दी। ठीक है माँ, मैं रखूँ? तबीयत ठीक है ना? हाँ ठीक है ना, सब अच्छा चल रहा है माँ। मैं बाद में बात करूँ, ठीक है माँ? यहाँ बहुत लोग तुमको सुन रहे हैं माँ, बहुत लोग तुम्हें सुन रहे हैं यहाँ पर मीडिया से, ऑल इंडिया प्रेस सुन रहे हैं आंटी जी आपको। और ये रोनित बोल रहे हैं। रोनित आई लव यू आंटी जी। थैंक यू वेरी मच। प्लीज ब्लेस अस, प्लीज ब्लेस आवर शो। ब्लेस करबे माँ, ठीक है? Okay. Bye, ma. Thank you. All the best of luck. All of you need best of luck. Thank you, ma. Bye, ma. Bye. That was a lovely conversation. Sorry, I keep interrupting you. Please. Yes. Sorry. तो प्रश्न तो आप लोग ही करेंगे हमसे, हम उत्तर भी देंगे, लेकिन मैं यहाँ उपस्थित हर व्यक्ति से ये पूछना चाहता हूँ और आपके ज़रिए, आपके कैमरास के ज़रिए पूरे हिंदुस्तान से पूछना चाहता हूँ कि क्या हम जिंदगी में इतने व्यस्त हैं कि प्रतिदिन सिर्फ एक बार इतना सा कॉल हम अपने पेरेंट्स को ना कर पाए? क्या इतना व्यस्त हैं हम? या हम इस सोच को बदलेंगे, प्रयत्न करेंगे कि जो दो व्यक्ति बैठे हुए हैं घर पे, शायद हमारे साथ, शायद अपने घर पे, वो शायद इसी पल का इंतज़ार कर रहे होते हैं। बस यही प्रश्न है मेरा छोटा सा। अब ठीक है। Thank you, sir. Thank you very much. And now, moving on, I'll request Vishakha Pandit to kindly join us on the stage. She's from Bombay Delhi Chakkar. Please do. Come here. We talk 3 to 4 times a day. Super. और मैंने birthday wish नहीं किया. I couldn't go to her. हम सब this event. So can you please wish her? Of course. First you wish her, then you shall wish her. पापा का भी सुबह कॉल है. Wish करो. मैं भी नहीं करता है. करो. पहले आप wish करो. Oh, you're making a video call. Yeah. Lovely. Super. Hello. Happy birthday, Mumma. क्या कर रहे हो? किसी ने विश करना है आपको। Happy birthday, आंटी जी. कैसे हो आप? आप प्लीज हमें ब्लेस कीजिए. अभी हम आपकी डॉटर से मिले हैं और उन्होंने बताया आपका जन्मदिन है और सवेरे से वो कोशिश कर रही हैं आपसे बात करने के लिए, पर वो थोड़ी व्यस्त हैं, तो हमने कहा अभी फ़ोन करो, हम भी बात करेंगे, हम भी विश करेंगे. आपकी उम्र भी लंबी हो और सेहत भी हमेशा अच्छी रहे, आप तंदुरुस्त रहे, आपका प्यार हमेशा विशाखा को और हम सबको आपका प्यार मिले. हमारा नया शो आ रहा है स्वरण घर, प्रमोशन के लिए आए हैं, इसी बहाने आपसे बात भी होगी. ठीक है मम्मी, मैं घर जाके कॉल करूँगी. थैंक यू. एंड आंटी जी को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस. विश हर अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे. एंड आई रिक्वेस्ट विशाखा, आ जाइए. वो विशाखा नहीं थी. I'm so sorry. You were not Vishakha. You should have corrected me. No, I'm sorry. Vishakha. But that was a very, really a right occasion, I must say, to wish your mother. You're feeling special for her. So Vishakha, why not make a call? Whom are you going to make a call? Father or mother? I just had a word with them because they know me. अब यहाँ आया. ठीक है. So obviously they are happy, but they're not happy that I'm not home, even though I'm so close to home. So she did talk to me अभी. I need to understand this. You are from Chandigarh. Yes. Your parents live in Chandigarh, but you live separately. In Mumbai. Your parents are in Mumbai. Oh, you were in Mumbai. Yes, but you are from Chandigarh. Okay. I moved to मेरी mom का first था कि वो airport पे आना चाहती थी. हमने mom मेरा काम है, मैं वो करके फिर घर आऊँगी. So now she's patiently waiting for the 2 days to wrap up so that I can come back home, because that's how she's gonna meet me. But हम daily बात करते हैं, like 4 से 5 बार दिन भर में video calls. She knows everything that happens. Like me and my mom. Yes. She has to know everything. My mom. So I think I'll call my mom only. Hello. माँ, आपको आवाज आ रहा है? मम्मी वो आज का कोटा रह गया था ना प्यार बरसाने का, तो मैंने कहा मैं आपको बता दूं कि मैं आपको मिस कर रही हूँ, मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ, इवन दो मैं चंडीगढ़ हूँ, मैं घर नहीं आई हूँ, बट मैं आऊँगी, आज नहीं तो नहीं कल मैं आई जाऊँगी वापस, बट आई थॉट आई जस्ट टेल यू दैट आई लव यू एंड आई मिस यू। हाँ मम्मा सामने से बोल रही हूँ। हाँ जी कौन सी गेम खेल रही हूँ? मम्मा गेम नहीं खेल रही हूँ, बट दिन भर में बताया नहीं था तो बोला अभी बता दिया आपको मैंने, बट हाँ आई मिस यू एंड आई लव यू। आंटी जी शी हैज़ कम टू कवर एन इवेंट, कलर्स का नया शो आ रहा है स्वरण घर, एंड जितने भी कलाकार हैं वो अभी मंच पर हैं, शी इज स्टैंडिंग विद देम ऑन स्टेज, सो वी जस्ट थॉट टू मेक अ कॉल टू यू टुडे, so this was a surprise for you. But she actually wanted to call you and tell you it is not because of us, क्योंकि ये वो करना चाह रही थी इसलिए इन्होंने आपको फोन लगाया है। I know मैंने कितना तेरी बिना बोले मुझे पता है ये सब। Thank you मामा कर दिया आपको। Thank you विशाखा, thank you very much. हाँ जी आगे आगे बढ़ने से पहले ना जस्ट वन मोर थिंग, आर यू ऑल मिसिंग सरगुन बिकॉज आई एम ट्रूली मिसिंग। सो ना ड्रीमयाता का परिवार पूरा है ना मेरा परिवार पूरा है क्योंकि सरगुन इस वक्त मंच पर नहीं है, लेकिन एक बहुत ही खास मैसेज है फ्रॉम माई लाइफ, माई वाइफ, माई पार्टनर इन लाइफ एंड माई पार्टनर इन ड्रीमयाता एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड, हियर इट इज, द क्रिएटर ऑफ द शो सरगुन मेहता। हाँ दिस फील्स लाइक पहला दिन लग रहा है मुझे ऐसा, क्योंकि आप लोग सब यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आए हुए हैं और मैं वहाँ आपके साथ नहीं हूँ। आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड, सो आई डोंट नो वेयर टू स्टार्ट फ्रॉम। बट हेलो नमस्ते सत श्री अकाल एंड वेलकम टू स्वरण घाट। दिस फील्स लाइक अ ग्रेट स्टार्ट, आई एम होपिंग। हमारे प्रोमोस को बहुत बहुत प्यार दिया आपने and I'm liking the response that we are getting. We are very very excited to share a piece of our heart with you. सच्ची में हमारे दिल का टुकड़ा है, जो सबसे पहली चीज़ हमने कभी लिखी थी वो स्वरण घर है, और मेरी नानी का नाम स्वरण बेदी है, सो मेरे दिल के बहुत बहुत करीब है। एक माँ बाप की कहानी, बच्चों की कहानी, कुछ सही कुछ गलत, कुछ जो हम रोज़मर्रा अपनी ज़िंदगी में देखते हैं, कुछ जो हम आसपास की ज़िंदगी में या आसपास की फैमिलीज़ में रोज़ रोज़ देखते आए हैं, सब देखने को मिलेगा आपको स्वरण घर में। 28 फरवरी को आ रहा है 8:30 PM कलर्स में, मंडे टू फ्राइडे, कैन नॉट मिस इट। एंड व्हेन यू वॉच इट, जब आप देख लें तो ज़रूर ज़रूर अपने रिव्यूज़ दीजिएगा हमें। आई एम एक्चुअली रियली एक्साइटेड टू सी व्हाट द रिव्यूज़ आर, सो स्टे ट्यून्ड, सी यू ऑन कलर्स 28 फरवरी 8:30। Miss you, Sargun. So we miss her too. A lovely message by Sargun, and we all know, we all love her a lot. We have seen a lot of her films, and you know, Punjab mein I think बहुत ही कमाल कर रही है सरगुन. Actually, she is doing really really well. We really love her. पूरे इंडिया में फोड़ रही है. पूरे इंडिया में, yes, absolutely. Because we being Punjabi, you know, we get connected like that. चलिए, so now moving on, ladies and gentlemen, after this beautiful video, I'll request आप सभी कुछ. So this show depicts the reality, और हमारे सभी मजे हुए कलाकारों के जरिए जो है हम ये कहानी आप सभी के सामने लेकर आ रहे हैं. So I thank you all very much. And before we move on forward, I'll request everyone to kindly move forward for the photo opportunity, and I'll request.